दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल के बारे में। दोस्तों डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल अनाउंसमेंट तो ऑफिशियली हो ही गया था 29 तारीख को कि लॉन्च होने जा रहा है, फिर ये अपडेट आया दोस्तों कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च होगा दोस्तों। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल करके और आ रही है और वो खबर यही है दोस्तों कि डीडी स्पोर्ट्स एचडी ऑफिशियली अब लॉन्च हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि जो टेस्टिंग वाला जो ऑप्शन आता था नीचे स्क्रीन पर, वो टेस्टिंग लिख करके अब नहीं आ रहा है। अब आप राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर में डीडी स्पोर्ट्स एचडी का लोगो देख सकते हैं और ये एक संकेत है दोस्तों कि डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल ऑफिशियली अब लॉन्च हो गया है दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था बेसब्री से काफ़ी समय से। काफ़ी कमेंट सेक्शन में भी दोस्तों ऐसे कमेंट्स आते थे कि सारे चैनल्स जो लॉन्च हो ही रहे हैं, जो भी लॉन्च होते हैं डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर ये ऑप्शन के माध्यम से, लेकिन डीडी स्पोर्ट्स एचडी कब लॉन्च होगा ये सब जानना चाहते थे दोस्तों। तो दोस्तों ऑफिशियल हो गया है ये कि डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल लॉन्च हो गया है। अब टेस्टिंग का जो नीचे बॉटम पे आप ऑप्शन देखते तो वो भी नहीं आ रहा है दोस्तों। पूरी तरीके से टेस्टिंग होने के बाद डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल अब डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो गया है। तो दोस्तों शानदार मैचेस देखिए शानदार एचडी क्वालिटी में। तो दोस्तों एचडी क्वालिटी में जो मैचेस आप देखेंगे वो डीडी स्पोर्ट्स एचडी पर आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एमपीजी 4 सेटअप बॉक्स होना चाहिए। तो दोस्तों और भी बातें हैं डीडी स्पोर्ट्स एचडी से संबंधित, डिटेल में बताएंगे आपको, बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। चलिए दोस्तों कुछ और बातें कर लेते हैं डीडी स्पोर्ट्स एचडी से संबंधित। दोस्तों चैनल लॉन्च होने तक के पूरे अपडेट्स क्या रहे दोस्तों। जुलाई के आखिरी सप्ताह से ही जो टेस्टिंग है डीडी स्पोर्ट्स एचडी की वो शुरू हो गई थी और हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया भी था अपने चैनल के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों अगस्त में कम से कम 4 से 5 दिनों तक, लगातार तो नहीं, बीच बीच में डीडी न्यूज़ एचडी के स्थान पर डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल को प्लेस करके उसको टेस्टिंग की गई। और दोस्तों टेस्टिंग बहुत समय के लिए तो नहीं हुई, लेकिन जितने भी समय के लिए हुई वो डीडी न्यूज़ एचडी पर ही हुई और वहां पर टेस्टिंग करके डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल को ये देखा गया कि चैनल सही से काम कर रहा है और जो भी प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे क्वालिटी में डिस्प्ले हो रहे हैं। काफ़ी चीज़ें चेक होती हैं दोस्तों, हर पैरामीटर्स पर खरा उतरने के बाद ही कोई नया चैनल लॉन्च होता है। तो दोस्तों जब भी प्रसार भारती को लगा कि अभी सही समय है, टेस्टिंग पूरी हो गई है, तो 29 अगस्त 2023 को दोस्तों ये अपडेट आया सुबह 11:09 पर कि डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है। उसके बाद ये अपडेट आया दोस्तों कि 2 सितंबर 2023 को जब इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप के अंतर्गत मैच खेला जाएगा वो मैच आप लाइव डीडी स्पोर्ट्स एचडी पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी की अपडेट यही है कि डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल अभी आप देख सकते हैं और जो टेस्ट सिंबल नीचे लिख करके आता था दोस्तों टेस्टिंग करके, वो अब नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऑफिशियली डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल को लॉन्च कर दिया गया है। बात करें ग्राफिक्स की दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी की, हाई डेफिनेशन की, तो बेहद शानदार है दोस्तों। हमने पहले भी अपडेट दिया था पिक्चर क्वालिटी को लेकर के और धीरे धीरे दोस्तों ये और इन्हेंस हुआ है और अब कह सकते हैं दोस्तों कि डीडी स्पोर्ट्स पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आप मैचेस देख सकते हैं जो भी लाइव मैचेस आते हैं। और हाई डेफिनेशन में देखने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल को। तो दोस्तों आनंद लीजिए, अभी तो जो एशिया कप 2023 के अंतर्गत मैचेस खेले जाने हैं या हो रहे हैं वो डीडी स्पोर्ट्स एचडी पर आप देख सकते हैं और एक महामुकाबला जो होने वाला है दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2 सितंबर 2023 को, वो भी हाई डेफिनेशन में डीडी स्पोर्ट्स एचडी पर आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि अगर डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल आप डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो आपके पास डीडी फ्रीडिस का एमपीजी 4 सेटअप बॉक्स होना अनिवार्य है। ये था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।